मैक्स प्रो आर्मी वेलकम बैक टू अंडर वीडियो। तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पे। तो गाइस जैसा कि आप सभी ने स्टार्टिंग पे देख ही लिया होगा, गाइस मुझे मिल चुका है वेपन मास्टर का टाइटल। बहुत इजीली गाइस मैंने लिया और आप सभी को बताऊं कैसे आप बहुत इजीली इसे ले सकते हो। कुछ भी आपको गाइस नहीं करना पड़ेगा, बस गाइस वीडियो फुल वॉच कर लो क्योंकि पूरे वीडियो मैं बताऊँ कैसे आपको आराम से लेना, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप 6 किल निकाल लोगे, जितने भी मतलब बोले गए 6 किल करने के लिए सारे अलग अलग चीज़ों से, वो आप इजीली कर सकते हो। तो गाइस वीडियो फुल वॉच कर लेना। गाइस मैं रिक्वेस्ट है, जो भी बंदा हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आ रहा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लो क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक वीडियो आप सभी के लाता रहता हूँ। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइस आपको मैच स्टार्ट करना है स्क्वाड पे, ठीक है। स्क्वाड पे गाइस आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है, रैंडम टीममेट के साथ नहीं खेलना है, ठीक है। स्टार्ट करने पर गाइस आपको होता है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। गाइस मैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बॉट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पर लगभग 6-7 मैचेस गया गाइस, मैंने ट्राई करा बट नहीं हुआ, बट लेकिन वहाँ गाइस मुझे 5-6 बॉट तो आराम से मिल गए, ठीक है। तो गाइस आपको रैंडम टीममेट भी नहीं रखना है, आपको रखने अपना फ्रेंड के साथ खेलना है, ठीक है। क्योंकि रैंडम टीममेट आपका बात तो सुनेंगे नहीं, वो मतलब कुछ और करेंगे, आपको कुछ और टाइटल लेना है, ठीक है। तो आपका बात सुनने वाले है नहीं, तो आपको रैंडम टीममेट नहीं रखना, आपको अपने फ्रेंड को रखना है क्योंकि वेपन मास्टर लेने के लिए आपको फ्रेंड तो ज़रूर से चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखो सबसे पहले वो किस चीज़ से किल करना है, गाइस मैं बताता हूँ आपको, शॉटगन से किल करना है, ठीक है। सबसे हार्ड जो होता है गाइस वो है शॉटगन, ग्रेनेड, फिर व्हीकल। गाइस ये तीनों बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि शॉटगन मतलब आपके सामने कोई रियल बंदा आ जाए, अगर आपका एम मिस हो जाता है तो बंदा आपको इजीली एयर से पेल देगा, ठीक है। तो इसीलिए शॉटगन को हमेशा यूज़ कर रखो। और गाइस मैं आपको इस डिस्क पे आपको उतरना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी तक मुझे कोई बॉट नहीं मिला है, बट देखो कैसे जब मैं गाड़ी में चढ़ता हूँ गाइस तो मुझे यहाँ पर एक बॉट देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि मेरे पीछे है। तो मेरे गेम पे साउंड इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने मतलब अपना ईयरफोन नहीं यूज़ करा, इसीलिए कोई भी गेम पे साउंड नहीं है। तो गाइस देखो मैं ग्रेनेड से इसे किल करने की ट्राई करा बट क्या पता दिया बॉट भाग जाएगा साइड पे, ठीक है। तो कोई नहीं, इससे पहले व्हीकल से मार देते तो मैं अपना जाता हूँ। देखो गाइस टीम बहुत हेल्प करती है, इसीलिए आपको टीम के साथ ही खेलना, अपने फ्रेंड के साथ खेलना है, ये नहीं कि मतलब कोई भी रैंडम टीममेट साथ खेल लेना है। और आपको मेनली उतरना है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। तो आगे जाके देखो मुझे कितने सारे बॉट्स मिलते हैं। तो इसको गाइस आप ये सोचो कि भाई मैंने व्हीकल से नॉक कर दिया, किसी और चीज़ से किल कर दोगे, ये नहीं होगा गाइस। आपने जिससे नॉक करा है उसी से आपको किल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे आगे पीछे करके इसको किल कर देता हूँ पहले। सो गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपने किससे किल कर दिया, किसका बाकी है, तो आपको ध्यान रखना है। और आपने टीममेट को बता देना कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है ताकि वो पहले से इकट्ठा करके रख ले, ठीक है। तो मेरा काम हो चुका है, अभी गाड़ी से काम हो चुका है मेरा। तो फिलहाल इस बॉट को मारने के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी अलग मतलब दूसरा बॉट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बॉट फायरिंग दे देता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि भाई मेरा व्हीकल वाला काम तो हो चुका है, अब चलो स्नाइपर या फिर ग्रेनेड से मारने की कोशिश करते हैं, या फिर शॉटगन भी बाकी है मेरा, बहुत सारे भी बाकी है। तो मेरा फिलहाल यहाँ पर एक ही किल हुआ था, तो मैं सोचा कि भाई घूम फिर के देख लेता हूँ कहीं पर अगर आस पास में बॉट मिल जाए मुझे। तो मैं मतलब मेरा तो व्हीकल वाला काम हो चुका था, तो मैं बोला भाई कोई बॉट खोजो। तो यहाँ मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई यहाँ पर एक बॉट है, तो आगे में एक मतलब निहत्ता बॉट जा रहा था, ठीक है। तो गाइस इसीलिए मैं इस डिस्ट्रिक्ट प्रीफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉट देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल इस गेम में तो मुझे 2 ही बॉट देखने को मिले गाइस, बट आपको यहाँ पर बहुत सारे बॉट देखने को मिल जाते हैं, कभी कभार तो 3-4 भी बॉट मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉट को मतलब मैंने कोशिश कर रहा था बट एक एम मिस हो गया, तो शॉटगन था तो थोड़ा बहुत सामने आके मारना था मुझे, तो हेडपिक दिया फिर भी नॉक नहीं हुआ। तो मेरा टीममेट कोई भी इसे किल नहीं करेगा क्योंकि सारे मेरे फ्रेंड है। तो गाइस जिसने मुझे हेल्प करी है सारे क्रेडिट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपको भी लेना है वेपन मास्टर तो आप इनके साथ भी खेल के ले सकते हो, ठीक है। आपको इन सभी का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे बात भी कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल इसे मारने के बाद गाइस मतलब मेरा शॉटगन वाला भी काम हो चुका था, व्हीकल वाला भी काम हो चुका था, तब मेरा बाकी था गाइस स्नाइपर वाला, ठीक है। तो मैंने अपने टीममेट को बताया, मतलब मेरा वॉइस इस पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा वॉइस ग्लिच हो चुका था, बट मैं अपने टीममेट का आवाज़ सुन पा रहा था। तो यहाँ पर हम आते हैं विलेज पे, क्योंकि मेरे टीममेट बताया भाई ग्रेनेड खोल लो क्योंकि ग्रेनेड वाला बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे टीम के साथ हम यहाँ पर लूट करने लग जाते हैं, यहाँ पर पूरे सारे घर पर लूट करने शुरू कर देते हैं। तभी मेरा टीममेट यहाँ पर आके मुझे मॉली दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक मॉली मिल चुका, मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रेनेड रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ फाइनली VSS मिल जाता है। बट मुझे ये कन्फ्यूज़न था कि VSS स्नाइपर है कि नहीं गाइस, तो मैं आपको बता दूँ VSS स्नाइपर है गाइस। तो मुझे पूरे गेम में ये कन्फ्यूज़न हुआ बट फाइनल पता चल गया कि VSS भी स्नाइपर है, तो ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे बॉट देख 3-4 बॉट देखने को मिल जाते हैं। तो एक बॉट को मैं मतलब मॉली करता हूँ, तो मेरा टीममेट भी ट्रॉल करता है, बट ट्रॉल करने के चक्कर में मेरा टीममेट भी यहाँ पर नॉक हो जाता है, ठीक है।
तो उस बॉट को फिलहाल छोड़ने के बाद यहाँ पर एक और बॉट हमें देखने को मिल जाता है, जिसको मैं VSS से फाइनली आराम से किल कर देता हूँ। और यहाँ हो चुके मेरे 3 किल और यहाँ पर मेरा स्नाइपर वाला भी काम हो चुका है। बट पूरे गेम में मुझे कन्फ्यूजन था कि मेरा स्नाइपर वाला काम हुआ कि नहीं, तो आप देखना आगे में मैं क्या क्या करता हूँ। तो इस बॉट को लूट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा अभी SMG वाला बाकी था, तो मैं M4 यूज़ नहीं करता हूँ। तो आगे जो बॉट को मैंने जिस पे मॉली करा था जो बच गया था, मैं उस पे जाता हूँ। अब देखिए उसको SMG से इजीली किल कर दूंगा। तो इस बॉट को भी फिलहाल यहाँ पे किल कर देते, मेरे हो चुके SMG वाला भी काम हो चुका था। यहाँ देख सकते हो दो बॉट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे याद है मेरा SMG वाला काम हो चुका था, तो मैं सोचा था कोई मतलब दूसरा गन मिल जाए। तो यहाँ पर ड्रॉप मतलब लूट करा तो कुछ मिला नहीं, तो फिर मेरे टीममेट ने आकर मुझे यहाँ पर M4 ड्रॉप करा। तो इसीलिए गाइस रैंडम की टीममेट के साथ मत खेलो, अपने फ्रेंड के साथ खेला करो। तो एक बॉट तो यहाँ पे फिलहाल मर चुका था, दूसरे बॉट को मैं आराम से यहाँ पे किल कर देता हूँ। तो वहाँ देखो एक बॉट है कि रियल, मुझे तो लगता है ये रियल प्लेयर की, उसका नाम देख सकते हो गाइस, द ईवल आर्मी, ठीक है। तो ये रियल बंदा ही हो सकता है, कोई बॉट तो हो नहीं सकता है। तो इस बंदे को आराम से किल करने के बाद यहाँ मेरी हो चुकी है 5 किल। तो पूरे यहाँ पर मुझे मिल जाता है Kar90, ठीक है। तो अब मैं सोचता हूँ भाई Kar90 से किल ले लो, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई VSS स्नाइपर है कि नहीं, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो मैंने सोचा अगर नहीं भी है तो एक किल ले लूँगा तो थोड़े ना मेरा कोई माइनस होगा। तो मैं पूरे गेम पे मतलब Kar90 लेके जाता हूँ, तो मैंने सोचा कोई बंदा बंदा मिल जाए। तो यहाँ पर मेरा लास्ट जो काम था बाकी था वो नेट से, ठीक है, नेट या फिर मॉली मुझे कुछ भी मिल जाए तो चलेगा। तो मैंने अपने टीममेट को पूछा कि भाई VSS स्नाइपर है कि नहीं, तो मतलब मेरा वॉइस चैट तो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं टाइप करके बता रहा था। तो मैंने यहाँ पर आगे में एक स्पॉट जा रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, बट कोई बंदा को मैंने नॉक नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज देने के बाद भी कोई भी बंदा नॉक नहीं हुआ। तो मैंने देखा मेरे पास मॉली और ग्रेनेड दोनों है, तो लकीली गाइस मुझे यहाँ पर एक और बॉट देखने को मिल जाता है। तो गाइस मेरा किस्मत बहुत ही अच्छा था, तो मैंने इस बार अपने ग्रेनेड को अपने हाथ पर ही कुक कर लिया, क्योंकि मतलब इस तरह आगे पहले फेंक देता तो बंदा भाग जाता है, ठीक है। तो हाथ पे कुने इजीली से फेंक देता हूं, और मेरे ही हो चुके यहाँ पर 6 किल। और मुझे वेपन मास्टर मिल चुका है, ठीक है। फिर भी मुझे लगा मुझे नहीं मिला, तो मैं पूरा मतलब डर गया कि भाई एक किल के कारण फिर से मेरा मतलब बाकी रह जाएगा वेपन मास्टर। तो फिर इजीली मतलब यहाँ पर मतलब मैं पूछ रहा था कि भाई मतलब मेरा कौन सा बाकी है, और मतलब Kar98 से भी मारना है या VSS से काम हो गया। तो मैंने Kar98 हाथ पे लेके रखा था, सोचा कि भाई Kar98 से किल हो जाएगा तो मेरा काम भी हो जाएगा, और नहीं भी मतलब काम फाइनली हो चुका है तो कोई बात भी नहीं है, ठीक है। तो इस गेम में आपको चिकन डे में देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पूछ रहा था कि भाई कितने किल चाहिए, तो मैं टीममेट बता रहा 6 किल। तो मेरे यहाँ पर 6 किल हो चुके थे, तो कोई बात नहीं, देखते हैं लास्ट में हमें मिल जाता है फिर भी। तो यहाँ पर एक मतलब पूरी स्क्वाड यहाँ पर रश कर देती है घर पे घुसने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ। एम से इतना हाई था कि मतलब किसी पे भी जाकर चिपक जाता था। तो मेरे टीममेट ने पूरी स्क्वाड को वाइप कर दिया, और मुझे यहाँ पर हमें मिल चुका है चिकन डिनर। तो बहुत ही आराम से गाइस मुझे वेपन मास्टर का भी टाइटल मिल चुका है। तो गाइस अगर मेरी स्क्वाड के साथ आपको खेलना है तो आपको उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वेपन मास्टर लेंगे सबसे अच्छा ट्रिक यही है गाइस, ई डिस्ट्रिक्ट पे उतरो। तो आई होप गाइस आप सभी को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो गाइस, और नेक्स्ट वीडियो गाइस डेटा पे आ जाएगी शार्प शूटर पे। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस जो भी बंदा हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आ रहा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलो गाइस मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।